नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आज के इस सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज आपको गाइड करेंगे। उसमें पहला जो था, हमने बात की कि विज्ञान में कौन सी दो पुस्तकों को हम ठीक से यदि देख लें 3-4 बार, तो 30 में अधिकतम जो 30 प्रश्न आते हैं साइंस के, उसके अधिकतम अंक हम पा लेंगे। और वो बुक था येलो कवर वाला अरिहंत का एनसीईआरटी सार संग्रह जो आया है। साइंस का बड़ा अच्छा कलेक्शन है एनसीईआरटी का, और क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली वो एनसीईआरटी से ही आने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बुक की। पहली बुक तो एनसीईआरटी था, वो सार संग्रह अरिहंत की, इसको कम से कम मल्टीपल टाइम 5 बार आपको रीड मारना है, रीडिंग करना है उसको 5 बारी। पतली सी बुक है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, तो इजली कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी मैंने कही थी कि साइंस टेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यदि आप चाहते हैं कि कवरअप हो, तो उसके लिए आप देख सकते हैं जो 365 विजन का जो साइंस टेक का 1 ईयर का कलेक्शन होता है, वो भी ज़्यादा बल्कि नहीं होता है, 100-125 पेज का होता है। ये दो सोर्स हमने साइंस के लिए आपको रिकमेंड किया था, और बीपीएससी के हाल फिलहाल के प्रश्नों पे भी मैंने कहा था कि आप जरूर ध्यान दीजिए। आज हम बात करेंगे आपसे करंट अफेयर्स को लेके, और इसी कड़ी में फिर आगे हम बिहार स्पेशल, हिस्ट्री और बाकी जो सेक्शन प्री के लिए बहुत जरूरी है, उस सेक्शन में स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स क्या होना चाहिए स्टडी का, उसकी बात हम आपसे करेंगे यहाँ पे। और साथ में हम आपको बताएंगे कि आप कितनी बार पढ़ें, कैसे पढ़ें, ताकि आपका प्री जो है वो कंफर्म हो जाए। यही इरादा है कि आपके प्रीलिम्स में, चाहे वो 70वीं हो 71वीं हो, जो स्टैटिक पार्ट है और जो करंट का पार्ट है, उसकी जो रणनीति है वो आपको पता हो। चलिए अब हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे पे जाने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो हमारा ये स्वच्छंद आईएएस का प्रकल्प है, अभी पूरी तरह से बीपीएससी फोकस्ड है। वर्तमान में ये ऑनलाइन चल रहा है, बहुत जल्द ये ऑफलाइन भी आपके सामने होगा। अभी भी हम लोग टेस्ट सीरीज में, मेंस का टेस्ट सीरीज जो ऑफलाइन है, वो इंटरव्यू ऑफलाइन मॉक का ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। सिस्टम पूरा का पूरा हाइब्रिड नाम हमने इसलिए दिया, ऐसी क्लास जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल पाती है उसको हाइब्रिड नाम देते हैं। तो टेक्नोलॉजिकली आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है इतना इनफ अब कि हाइब्रिड क्लास चल, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपको ऑनलाइन में मिलता है, वीडियो लेक्चर मिलता है ऑनलाइन में, प्रिंटेड नोट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अब लगभग रेडी है, जल्दी ही लॉन्च करेंगे। क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कराते हैं, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है, और मेंटोरशिप हम प्रोवाइड करते हैं आपको। अब और बेहतर होगी क्योंकि अब हम दो लोग मिलकर इसका नेतृत्व बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। एक और बात हम आपके सामने रख दें कि एक एनसीईआरटी बैच हम लॉन्च करने वाले हैं ऐप पर, और ये बैच पूर्णतः जो है, समझिए जो अभी शुल्क है वो नाम मात्र का शुल्क रहेगा, उसको हम एक तरीके से फ्री करने वाले हैं। ये बैच जो होगा, ये मेनली जो बैच का पर्पस है हमारा, आपका बेस फाउंडेशन मजबूत करना, और यूपीएससी बीपीएससी दोनों ही, मतलब सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए परफेक्ट होगा। तो इसको भी हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, और हमारा जो ऐप है वो है स्वच्छंद लर्निंग ऐप के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे। तो आप जरूर स्वच्छंद लर्निंग प्ले स्टोर डाउनलोड कीजिए, और जो भी कोर्सेस चल रहे हैं आप उनमें से जो आपके फायदे का कोर्स है और आपको कैपेबल लगता है कि हम पे कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी तरह की परेशानी है पेमेंट में या फी में, तो आप डायरेक्टली जो नंबर है यहाँ पे 9870274777 और 8826017637 इस पे कांटेक्ट कीजिए। हम ऐसे स्टूडेंट्स जो नीडी हैं उनकी जरूर कुछ ना कुछ मदद कराएंगे संस्थान की तरफ से, वसरते आप इस पे अपना व्हाट्सएप और अपनी प्रॉब्लम और अपना जो भी क्वेरी डाउट है शेयर करेंगे। तो अगले मुद्दे पे बात कर ले, हमारा आज का मुद्दा है कि करंट अफेयर्स के लिए हमारी क्या हो रणनीति, करंट अफेयर्स के लिए हमारा अफेयर्स के लिए क्या रणनीति स्ट्रैटजी होनी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। टोटल
20 से 25 मिनट हम बात करेंगे, ठीक है, और हम इसमें कंक्लूड कर देंगे कि आप अब बचे हुए समय में अपने करंट अफेयर्स को कैसे तैयार कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, हम इसमें आपको ये बता दें कि करंट जो है नॉर्मली लास्ट वन ईयर का करंट लोग कहते हैं पढ़ने के लिए, और डिटेल में इस पर बात करेंगे और भी हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं अपने, वो इस पे बात अलग से करेंगे, उन्होंने कुछ अपना रिसर्च किया है। हमारा जो पर्पस है और हमें जो ये दिया गया है कि सर आपसे आग्रह है कि आप बच्चों को बताएं कि ऑथेंटिक सोर्स क्या होगा, बुक सोर्स पे हम बात करने आए हैं बेसिकली, तो हम वो सोर्सेस पे बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए बुक सोर्स करंट के लिए, तो उससे पहले समझते हैं कि लास्ट वन ईयर करंट का मतलब क्या है। मेरा मानना है कि लास्ट वन ईयर करंट का मतलब है कि जो लास्ट प्रिलिम्स हुआ है, आप यहां पे ना बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर की तरह बात कीजिए, ठीक है, तो लास्ट प्रिलिम्स जो हुआ है वहां से शुरू कीजिए करंट को पढ़ना, ठीक है, और उससे लेकर के जो एग्जाम डेट है आपका, अभी टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए 13 और 14 दिसंबर की डेट है, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर दो दिन। उनका मानना है कि यदि बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप होता है और हमारी क्षमता जो है 5 से 7 लाख की है, यदि 5 लाख की क्षमता है उनके एग्जाम लेने की, यदि उनसे ज्यादा छात्र एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर वो कोशिश करेंगे आपसे आपसे कि वो दो शिफ्ट में दो दिन एग्जाम ले। अब कहां से कहां तक पढ़े, पहला सवाल देखो, क्वेश्चंस आपके ही हैं ये, हमारे व्हाट्सएप पे पढ़े कि कहां से कहां तक का एक पढ़े हम करंट, तो इसका उत्तर हो गया लास्ट प्रिलिम्स के मंथ से एग्जाम डेट के मंथ तक। लास्ट प्रिलिम्स जब जिस मंथ में हुआ था उस मंथ से एग्जाम जिस मंथ में है उस मंथ के पहले वाले मंथ तक आप पढ़ सकते हैं। मतलब यदि दिसंबर में एग्जाम है तो आप नवंबर तक पढ़ें तो आपके लिए बेहतर है। चलिए, अब यदि हम एक और बात करें काम की, एक प्रश्न हो गया कहां से कहां तक, अब दूसरा प्रश्न ये है कि हम करंट में 3 स्टैंडर्ड में बांट के सब लोग बात करते हैं। एक बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स, फिर बात करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, और बात करते हैं रीजनल यानी बिहार करंट अफेयर्स की। तो क्या इसमें हम क्या पढ़ें, रीजनल नेशनल इंटरनेशनल में क्या करंट में पढ़ें? तो देखो, दूसरा जो है कि क्या पढ़ें, कहां पढ़ें, कहां से कहां तक पढ़ें, तो देख लिए क्या पढ़ें, ये यदि हम बात करें तो हम इसमें 5-7 सेक्शन मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगता है जिसकी उपादेयता बहुत बढ़ गई है आजकल। तो करंट में नेशनल करंट अफेयर्स का सेक्शन देखा जाए तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है स्पोर्ट्स का, पहले भी हमने बात किया था आपसे स्पोर्ट्स में, इस बार ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, क्रिकेट और फुटबॉल, पता नहीं क्या क्या बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। और अभी रिसेंटली आज का न्यूज था, हमने टेलीग्राम में एक न्यूज शेयर किया है, आप लोग जरूर देखिएगा, नडाल साहब जो है, राफेल नडाल बड़े फेमस हैं, बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, तो राफेल नडाल साहब जो है वो क्या ले रहे हैं, संन्यास। इसके अलावा रोनाल्डो पे भी बात हो रही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से सिक्का जारी हुआ है और उसके जर्सी का नंबर 7 है, तो 7 का सिक्का जारी हुआ, जो सिक्के की वैल्यू है 7 यूरो डॉलर है, एक सिक्का जो रोनाल्डो का है उसका वैल्यू जो है वो 7 यूरो डॉलर है। तो ये सारी बातें जो हम स्पोर्ट्स की कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स भी दो कैटेगरी में बढ़ जाता है, क्या क्या, नेशनल और इंटरनेशनल में बढ़ जाता है, और स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल और नेशनल दोनों पे समान रूप से क्रस है आयोग का, दोनों पे समान रूप से ये फोकस करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इंटरनेशनल का होता है करंट में, कुछ क्रिकेट के क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो नेशनल से पूछे जाते हैं, क्रिकेट की भी कैटेगरी देख लीजिए तो जो वो आईपीएल वाला है उससे भी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि रिसेंटली हुआ था, इसके अलावा जो अंडर 19 आए जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था उससे क्वेश्चन हो सकता है। आजकल महिला क्रिकेट का भी बड़ा प्रचलन है और कई महिला क्रिकेट खिलाड़ी बड़ी प्रचलन में है, चर्चा में है, उन पे भी प्रश्न बन सकता है, तो उन पे नजर रखेंगे आप।
स्पोर्ट्स के बाद जो दूसरी आती है टेक्नोलॉजी स्पेस की, और ये स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत चर्चा में रही है 2014 के बाद से ही लगातार, और फिर अभी तो पिछले 2-3 साल से बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्चिंग और बहुत सारा मिशन जो है स्पेस मिशन, इसरो की जो उपलब्धि है कंफर्म है कि उस पे प्यार आता ही है आयोग को, तो इसरो की उपलब्धि पे बड़ा ध्यान रखेंगे, कौन कौन सा मिशन चलाया जा रहा है उसके बेसिक इंफॉर्मेशन और फैक्ट आपके पास होने चाहिए, वो करंट का हिस्सा है। इसके अलावा ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट कही है, अपॉइंटमेंट नियुक्तियां जिसको आप कहते हैं, तो नियुक्तियों से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल के जो नियुक्तियां हैं उन पर आप फोकस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर अपॉइंटमेंट्स, जो संवैधानिक पद हैं जैसे चीफ जस्टिस है या हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या कैग का हेड है, यानी इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन यदि आपके पास कलेक्ट हो तो उस पर ध्यान देंगे, और नियुक्तियों पे देखेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी पे देखेंगे, स्पोर्ट्स पे देखेंगे, साइंस टेक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन करंट अफेयर से बहुत ज्यादा टकराता है। डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज हुआ हो, कोई वेपन्स डेवलप हुआ हो, कोई मिसाइल लॉन्चिंग हुई हो, टेस्टिंग हुई, मिसाइल टेस्टिंग हुई हो, या कोई ऐसा वेपन जो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज में बना रहा, जैसे अभी एक पेजर जो लोग यूज करते थे जिसमें जो हमास के आतंकवादी थे या ईरान समर्थित आतंकवादी ग्रुप था हिजबुल्लाह कौन थे एक, अभी आपने पढ़ा होगा, तो उन लोगों के द्वारा उनकी टीम के द्वारा यूज किया जा रहा था पेजर, पेजर ब्लास्ट हो रहा है, उसको हैक करके ब्लास्ट कर दिया जा रहा है, तो बड़ा नुकसान हुआ है आतंकवादियों को, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता। तो डिफेंस है, साइंस टेक में कुछ फेमस जो न्यूज में रहा कुछ यूनिक इंफॉर्मेशन इवन एनवायरमेंट से रिलेटेड वो आ सकता है। इसके अलावा अभी वॉर ईयर चल रहा है और कई तरह के अनस्टेबिलिटी है, तो इंटरनेशनल सेंसिटिव जोन आर वेरी इंपॉर्टेंट एज एज एन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फॉर एग्जांपल यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, तो रशिया यूक्रेन वॉर से क्वेश्चन आ सकता है, वहां के कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स, रिवर्स, माउंटेन्स, माइंस, वो पार्टिकुलर स्टेट जो अफेक्टेड है वहां से कैपिटल तक पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, क्रीमिया रिलेटेड, ब्लैक सी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसराइल हमास गाजा पट्टी ईरान ये इन्वॉल्व है, तो इसके बारे में इसराइल का बॉर्डर किन किन कंट्रीज से लगता है, गोलन हाइट्स क्या है, डेड सी क्या है, और जॉर्डन रिवर्स का ओरिजिन, जॉर्डन रिवर्स का माउथ, जॉर्डन रिवर्स किन दो देशों के बीच बाउंड्री बनाती है, गाजा पट्टी अभी रिसेंटली एक मस्जिद है मॉस्क्यू, अलक्सा मॉस्क्यू है, या फिर जो भी पैलेस्टीन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, वेस्ट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसराइल का जो बॉर्डर है वो रेड सी में कहाँ पे कनेक्ट होता है, किस पोर्ट या किस गल्फ में, वो सारी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वार जोन जो एरिया है, वार ईयर चल रहा है, तो वार जोन की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वार जोन की जो ज्योग्राफिकल एरिया यानी वार जोन का जो मैपिंग है, जहां जहां वॉर जोन है या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, जैसे अभी श्रीलंका में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आया था, बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आया था, मालदीव में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हुए, अभी रिसेंटली मालदीव के साथ भारत का फिर से दोस्ताना शुरू हुआ है, और वो जो मोइजू जिसने परंपरा तोड़ी की कोई भी प्रेसिडेंट जैसे ही बनता था मालदीव का तो पहले इंडिया आता था, मोइजू पहले चाइना गया, तो चाइना का पालतू अभी फिर से बात कर रहा है भारत के साथ, भारत आया हुआ है, भारत के सौगाते दिए, तो ऐसे नेशंस हेड या वैसा नेशन, वैसे देश जो कि अनस्टेबिलिटी झेल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे वो एशियन कंट्री हो, या फिर यूरोपियन कंट्री हो, यदि किसी कारण से वो न्यूज में है तो उसको आपको उसकी कैपिटल, उसके हेड जो शासनाध्यक्ष हैं, उनका जो करेंसी है, उनके यहाँ के जो इश्यूज हैं, किन इश्यूज के कारण वहां पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आया, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या पूछेगा, ये तो मैंने बात कर दिया आपसे क्या पढ़े, और अभी क्या पढ़े में और भी चीजें जुड़ती हैं, जैसे एक इंडेक्स बीपीएससी का बहुत ही ज्यादा दुलारा चीज है, रिपोर्ट्स बीपीएससी को बहुत पसंद है, ऐसे रिपोर्ट्स जो यूनिवर्सल रिपोर्ट्स हैं, ऐसे इंडेक्स जो यूनिवर्सली मतलब एक्सेप्टेड है। इसके अलावा जो प्राइज है ये हर साल एवरग्रीन है, खास करके जो नेशनल प्राइज में से भारत रत्न इस बार
जो मिला है भारत रत्न, जिनको जिनको मिला है, एक अपने बिहार से कर्पूरी ठाकुर साहब भी हैं, एक बिंदेश्वरी पाठक भी हैं, तो उनसे रिलेटेड अभी रिसेंटली एक आज कल में जो न्यूज बना आदरणीय टाटा जी, ठीक है, रतन निवल टाटा, रतन निवल जी टाटा जो है, तो ये रतन निवल टाटा जी जो है इनकी पूरी की पूरी जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन है आप जमा करेंगे, इनको कौन सा अभी इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट्स पे हम बात करें यदि यहां तक के बाद, तो नेक्स्ट हमने देखा कि कौन कौन सा टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक है जिसको देखना है, प्राइस देखना है, इंडेक्स देखना है, रिपोर्ट्स देखना है। इसके अलावा प्राइज में कई तरह के प्राइजेस ये पूछते हैं, नेशनल प्राइज के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे ऑस्कर के लिए नामित होने वाली कौन सी मूवी है, हाल में इंडिया की एक मूवी बड़ा न्यूज में था जो ऑस्कर के लिए नामित हुआ, तो उस मूवी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हैं जो क्या पढ़े में आते हैं, यदि आपने इन सब को पढ़ा है और इन सब पर एक स्पाइरल नोट्स यदि बना लें, 1-1 पेज या 2-2 पेज का, या फिर बना हुआ बनाया हुआ आप कहीं से पा लें, जैसे हम लोग प्रोफेशनल टीम जो है हमारी व्यापारी टीम ना मार्केट की नीड को समझती है और फिर आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है और फिर उस वस्तुओं से अपना जो उसमें इन्वेस्टमेंट है वो निकालती है। तो मैं बस ये कहूंगा कि कांटेक्ट में रहिए और निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों को जितना उनमें से जो भी कलेक्ट किया गया है हम यहाँ पे एक्सप्लेन करवा दें, ठीक है। बाकी मीटिंग होगी हमारी पूरी टीम की, उसमें हम तय करेंगे कि और क्या किया जाना चाहिए। जल्दी ही जितने भी लोग आप में से हमसे जुड़ चुके हैं हमारे ऐप पे कोर्सेस में, उन सबों को सौगात मिलेगी, जितने भी हमारे नोट्स बन रहे हैं, प्रिंट मटेरियल्स बन रहे हैं, हालांकि ये पहला प्रिंट मटेरियल्स है तो अभी इसमें लगातार संशोधन होने का किस पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि जब पहली बार बनती है तो एक रॉ मटेरियल रेडी होती है और फिर रॉ मटेरियल दिन ब दिन रिफाइन होता जाता है, तो हम उसको रिफाइन करेंगे। अभी चल रहा है, टाइपिंग की टीम जो है वो अपने अनुसार काम कर रही है, ठीक है, हालांकि उन पर दबाव बना रहे हैं कि जितना जल्दी हो, तो ईश्वर साथ दे रहा है तो थोड़ा समय मिल गया तो अब हम और बेहतर जो है उसकी प्रूफ रीडिंग करवा पाएंगे। अब तीसरी बात यदि करें हम, तो तीसरी बात है कि क्या पढ़े में, साथ में ये भी है कि कौन सी पुस्तक पढ़े, ये आपके प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक पढ़े जिनसे ये सब हो जाएगा। बड़ा कठिन प्रश्न है ये, इसको लेके पूरी दुनिया परेशान है और बड़े मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना वाली स्थिति है, जितना मुंडी उतना विचार और सबके अपने अपने ख्यालात। ऐसे हालात में आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि आपके विचार किन से मिलते हैं और उनको कितना अनुभव है परीक्षा का और पढ़ाने का, उसके अकॉर्डिंग आप अपने विवेक से निर्णय लेंगे। मेरा काम है सलाह देना। देखो जैसे बीपीएससी की बात आती है तो इसमें निसंदेह प्रतियोगिता दर्पण को मैं नंबर वन पे रखता आया हूं और अभी भी मैं इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स के लिए जो मेंस और पीटी दोनों के लिए मैं प्रतियोगिता दर्पण को महत्वपूर्ण मानता हूं। तो प्रतियोगिता दर्पण का एक अर्ध वार्षिकांक आया हुआ था और निसंदेह जल्दी ही वार्षिकांक भी आपके हाथ में होगा, मार्केट में अवेलेबल होगा, पता कीजिएगा। तो जो ये अर्धवार्षिकांक और वार्षिकांक है उनके माध्यम से चीजों को कंप्लीट करना आसान होगा। तो पुस्तक में पहली पुस्तक आपका जो ईयरली या हाफ ईयरली जो मटेरियल प्रोवाइड करती है आपकी अपनी प्रतियोगिता दर्पण, उसको हम नेशनल और इंटरनेशनल के लिए हम इसको देखना चाहेंगे। ये हमारा हर सेक्शन कवर कर देगा, स्पोर्ट्स भी, स्पेस भी, अपॉइंटमेंट भी, डिफेंस भी, और इंडेक्स भी, रिपोर्ट्स भी, प्राइस भी, और जो रिसेंट न्यूज है यदि लेटेस्ट ले लेंगे अगला मैगजीन तो उसमें टाटा को भी फ्रंट पेज पे कवर अप करेंगे, क्योंकि टाटा को पूरा देश कवर कर रहा है और उनको उनके जैसा जो व्यक्तित्व है वो भविष्य में कभी होगा नहीं, इस बात में कोई संदेह भी नहीं है। मेरे भी बहुत ही ज्यादा फेवरेट रहे हैं, मैं उनको सुनना बहुत पसंद करता रहा हूँ और उनकी एक्टिविटीज देखता हूँ तो एक अलग सा हेवनली फीलिंग आती भी है। जानवरों के प्रति उनका प्रेम, गरीब बच्चों के प्रति उनका प्रेम, और उनका जो निश्चल व्यवहार रहा है लोगों के प्रति, कस्टमर्स के प्रति, और सोचने का जो तरीका रहा है कि छोटी से छोटी चीजों को बना करके
और देश को सबल करें। रिसेंटली एक बार मैं न्यूज पढ़ रहा था कि सेना के लिए उन्होंने एक ऐसा वाहन बनाया जो पुलवामा के बाद बड़ा न्यूज में रहा कि जिस पर कि RDX और अदर थिंग्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सोचने वाला एक व्यापारी से कहीं ऊपर का व्यक्ति ही होता है, तो उनको एक व्यापारी के रूप में ना देख कर यदि आप उनको एक सच्चे देशभक्त के रूप में देखेंगे तो आपको आपके अंदर भी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा आएगी। मैं आज एक न्यूज चैनल पे सुन रहा था और पहले भी मैंने पढ़ा था वो एक आर्टिकल में कि इंग्लैंड जो है ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने इनको इनवाइट किया था अपने यहाँ पे सम्मानित करने के लिए, और ये सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि इनका जो डॉग था वो बीमार था, तो माफी मांगा उन्होंने कि अभी इसको मेरी जरूरत है, पुरस्कार मेरे लिए दूसरे स्तर पे है, पहले वो जो मेरे दिल के करीब है। तो सिर्फ ये इस कारण से इंग्लैंड के राजा के द्वारा दुनिया का एक सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार पाने से मना कर देना, उपस्थित नहीं होना, ये कोई बिरला ही कर सकता है। लोग अपनी पत्नी और अपने बच्चे की हालत को भी उस समय इग्नोर करके नहीं भाई इमरजेंसी, एक छोटा मानुष, एक छोटी सोच वाला मानुष जो है, मनुष्य जो है, वो तो यही कहेगा कि वो उसको प्रायोरिटी देगा कि इंग्लैंड कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन आप सोचो वो जब मतलब ना वो जिस फैमिली से हैं, जब से जी नागवार टाटा के अंश रहे वो, और रतन टाटा जी सच में रतन थे, तो अब उनके बारे में जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। कई कहानियां सुनी मैंने आज रात में भी, बहुत सारी कहानियां सुनी उनकी, और सुन के बड़ा ताजुब हुआ और बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऐसा भी हर वंश का एक व्यक्ति इस दुनिया में, इस भारत में अब तक जीवित थे जिनको की प्रेरणा के स्रोत के रूप में युवा भी देखते हैं और जो वयस्क हैं वो भी मानते हैं। राष्ट्र के शासनाध्यक्ष को भी उनके लिए उतना ही आदर आता है और विपक्ष भी उनको उसी स्नेह से देखती है, और साथ में उनके जो मतलब प्रतियोगी व्यापारी हैं उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो ये बड़ा ही बेहतरीन अंदाज है जिंदगी को जीने का कि जब आप विदा हो तो आपके विपक्षी भी आपके लिए रोए। चलिए, ये मेरी अपनी खुद की भावना थी जो प्रकट हो गई। बाकी पुस्तक में मैं एक ये बता रहा था आपको, प्रतियोगिता दर्पण को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। दूसरी पुस्तक जो है, अब देखिए जब हम बिहार करंट की बात करते हैं कि बिहार के किस व्यक्ति ने इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल पे कुछ झंडा गाड़ा है, हम जब बिहार की बात करते हैं कि बिहार के किस जिले में अभी उत्पादन क्या रहा, बिहार के किस जिले में पॉपुलेशन रिलेटेड डाटा क्या रहा, बिहार के किस जिले में मिनरल्स की अवेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट हुआ कैसा, इन सब बातों के लिए ना एक कोई भी क्षेत्रीय, जैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर स्पीडी इज द बेस्ट, कुछ बच्चों ने कहा कि सर स्पर्धा नाम का भी एक निकलता है इसमें बिहार का निकलता है, एक बच्चा बता रहा था कि अरिहंत ने भी इस बार बिहार स्पेशल छापा है करंट, कुछ बच्चा बता रहा था कि बिहार स्पेशल करंट दृष्टि भी बहुत अच्छा छापती है। मेरा मानना है कि इनमें से किसी को भी आप एक को चुनिए, लेकिन उनको मत चुनिए जो बहुत ज्यादा बल्क में इंफॉर्मेशन आपको भर दे रहे हैं, अपने जरूरत के इंफॉर्मेशन को उसमें तलाशिए कि बिहार से जो करंट के क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर नियुक्तियां, पुरस्कार, बिहार रिलेटेड पुरस्कार, बिहार रिलेटेड नियुक्तियां, ब्रांड एम्बेसडर या फिर बिहार के जिले से संबंधित कुछ तथ्य, ऐसे प्रश्न ज्यादा होते हैं। तो आप भी उसी मैगजीन को चुनिए, स्पीडी को चुन लीजिए या स्पर्धा को चुन लीजिए या अरिहंत को चुन लीजिए या दृष्टि को चुन लीजिए, किसी एक, कोई एक, यहाँ पे ना हम एक बात कर दें कि इन सब में से कोई एक, और वो कौन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सर ने, किसी मास्टर ने कहा कि स्पीडी पढ़ लो तो तुम स्पीडी ले लिए, किसी ने कहा स्पर्धा पढ़ लो, किसी ने कहा स्पीडी तो तुम बिल्कुल मत पढ़ना। मैं ऐसे भी देख रहा हूँ कि एक टीचर है वो ज्ञान दे रहे थे कि एकदम स्पीडी मत पढ़ना। देखो ये जो पंक्चुएशन वाले लोग होते हैं इनसे सावधान होने की जरूरत है। फिर ये डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं, ये हावी होने की कोशिश करते हैं, नहीं, किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देने का और पंक्चुएशन से दूर रहने का, हमेशा डिप्लोमेटिक माइंड रखो तुम अपना, मतलब कुछ तुम्हारी खुद की एक अपनी आजादी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई कहे लक्ष्मीकांत तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, तो क्या पढ़े सर, तुम सीधे एकदम दुर्गादास बसु उठाओ, उससे बेस्ट कोई हो सकता है कि वो गुणीजन सज्जन जो होंगे उनके लिए लक्ष्मीकांत उनका पड़ोसी रहा होगा, मांगा होगा एक दिन चाय, मैंने चाय पत्ती नहीं दिया होगा, तो उनको व्यक्तिगत दुश्मनी होगी, उनके अपने व्यक्तिगत निहितार्थ होंगे और वो मना कर रहे हैं आपको लक्ष्मीकांत कि एकदम मत पढ़ो, और दुर्गादास उनके जमाई लगते होंगे या हो सकता है दुर्गादास के उदामाद होंगे, तो दुर्गादास बसु पे वो प्रमोट करेंगे या फिर
अनजाने में कोई नहीं मिला तो दुर्गादास बसु बता दिया, पीएम बख्शी बता दिया, या और कुछ सुभाष कश्यप बता दिया। बताने के तो बहुत तेरे बतेरे तो बहुत तेरे पुस्तक अवेलेबल है। आपको इनमें से कौन सूट करता है कि जिसको पढ़ते समय आप सहज और सरल महसूस करते हैं, जिनमें शब्दों शब्द जो हैं जो पिरोए गए हैं वो आपको परेशान नहीं करते, उन पुस्तक को चुनिए। तो वैसे ही यहां मैं कहूंगा एक पुस्तक पीडी चुन लो, पीडी का यदि ईयर वाला बुक जो है या वो मिल जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। ईयरली नहीं मिले ईयरली तो लॉन्ग कट में जाओ, क्या प्रतियोगिता दर्पण के लास्ट जिस मंथ से जिस मंथ तक का है वो अरेंज करो, पीडीएफ बहुत अवेलेबल है या टेलीग्राम पे और सब जगह अवेलेबल है, वहां से ले लो और कलेक्ट इस तरह से करके एक स्पाइडर नोट्स बनाओ 20 पेज का। लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था कि 20 पेजेस का या 25 पेजेस मैक्सिमम 30 पेज का, 30 पेज का स्पाइडर नोट्स या फिर ऐसे स्पाइडर नोट्स मतलब क्या, मतलब शॉर्ट समरी एक बनाओ नियुक्तियों में, नेशनल इंटरनेशनल और बिहार तीनों के एक एक पेज बना लो, स्पोर्ट्स में भी नेशनल इंटरनेशनल और बिहार तीनों के एक पेज में दिखा दो कि कौन सा व्यक्ति बिहार स्पोर्ट्स में अभी नाम कमाया और बिहार से जाके क्रिकेट जो खेला वर्ल्ड कप या फिर आईपीएल या कहीं कुछ परफॉर्म किया, बिहार वाले ने यदि कहीं पैरा ओलंपिक में गोल्ड या फिर कुछ जीता, तो स्पोर्ट्स में जितने भी हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी एथलीट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, स्पेस ने जो कुछ भी नया किया वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। तो इस तरीके से यदि इन्फॉर्मेशन आप 7 दिन बैठ जाओ, सर एक सप्ताह बैठोगे ना तो एक सप्ताह में 30 पेज का साधन जुटा लो, ठीक है। तो 7 दिन क्या, यदि 7 दिन में नोट्स बना लिया, अगले लगातार 50 दिन उसको रिवाइज करते रहे और उसमें कुछ एड ऑन करते रहे तो तुम अंततः तुम्हारे पास एक बेस कीमती संसाधन होगा जिसके माध्यम से जिसको रिवाइज कर करके 30/30 तुम आराम से करंट सही करके आओ। हालांकि करंट के सेशन हम YouTube पे निःशुल्क मेरे सेशन भी अब स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी। तो ये था मेरा अपना सुझाव और इस सुझाव के चयन के लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। मैं तानाशाही रवैये में विश्वास नहीं करता, मैं पूर्णतः डिप्लोमेटिक और लोकतांत्रिक रवैये में विश्वास करता हूं और मैं मानता हूं कि आप भी एक बड़े डिप्लोमेट्स बनने जा रहे हैं तो आप भी अपना निर्णय स्वयं लीजिएगा। मेरे सुझाव जो हैं बस इसलिए हैं ताकि आप कहीं उलझन में हो तो ये मेरी बातें आपको सुलझा सके। धन्यवाद।